राजधानी पटना से सटे जानीपुर थाना क्षेत्र स्थित मुखिया हत्याकांड का पटना पुलिस ने किया उद्भेदन। साजिशकर्ता पूर्व मुखिया समेत 7 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि नौबतपुर वार्ड पार्षद की हत्या में भी यह गिरफ्तार अपराधी शामिल था। बीते 14 दिसंबर को अपराधियों ने मुखिया का हत्या किया था। साफ तौर पर बताया गया कि बेउर जेल में बंद कुख्यात के इशारे पर यह रंगदारी और हत्या की घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि घटना कारित के लिए अपराधियों को 50,000 रुपए एडवांस मिला था। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 लाइसेंसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 इम्पॉर्टेंट केसेस का खुलासा हुआ है, उसी की ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आप सभी अवगत हैं कि विगत वर्ष पंचायत चुनाव हुआ था, 12 चरणों में हुआ था। पंचायत चुनाव के बाद जानीपुर थाना क्षेत्र में रामपुर फरीदपुर पंचायत के जो नवनिर्वाचित मुखिया थे नीरज कुमार, उनकी हत्या हो गई थी 14 दिसंबर को। हत्या होने के पश्चात जानीपुर में कांड दर्ज करवाया गया था और अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्वक केस था और बहुत ही सेंसेशनल केस था, क्योंकि इस पर एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई थी और वो पहले भी वहाँ पे मुखिया रह चुके हैं रामपुर फरीदपुर पंचायत के। तो जैसे ही कांड प्रतिवेदित हुआ, उसके बाद इसके अनुसंधान के लिए इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ, थानाध्यक्ष जानीपुर, थानाध्यक्ष नौबतपुर एवं थानाध्यक्ष धीगा तथा हमारी जो SAU की टीम है और डायल 100 की टीम, इसके माध्यम से इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस कांड में शुरू में कोई भी क्लू नहीं था। उसके बाद हम लोगों की जो तकनीकी अनुसंधान किया SAU ने, डायल 100 ने, तो CCTV फुटेज का हम लोगों ने जितना भी उस रास्ते में और घटनास्थल के आसपास CCTV था, उसका व्यापक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि 3 शूटर्स आए हैं एक बाइक पे, और जो नीरज मुखिया थे जो कि एक दुकान पर बैठे हुए थे, वहाँ पर हत्या करके फिर वो भागे हैं। तो उनके भागने के रूट में, आने के रूट में जितने भी CCTV थे उनका विश्लेषण किया गया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को डिवेलप किया गया, तो फोटोग्राफ्स की पहचान कराई गई। इसी क्रम में कुछ संदिग्धों को ज़ीरो डाउन किया गया कि ये संदिग्ध हो सकते हैं। जब कुछ संदिग्धों को ज़ीरो डाउन किया गया तो उसके बाद उनके लोगों ने उनको अनुश्रवण पे लिया, उनका मॉनिटरिंग स्टार्ट किया। 1 महीने तक लगातार हम लोगों का जो एक विशेष दल था उनको मॉनिटर कर रहा था, उनको फॉलो कर रहा था। इसी क्रम में पता चला कि वो जानीपुर थाना क्षेत्र में दोबारा आ रहे हैं और इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया। एक राजकुमार नाम का है, नौबतपुर थाना का रहने वाले हैं। विक्की कुमार जो कि दीघा थाना क्षेत्र का रामजी चकबाटा का रहने वाला है, और एक ओमकार कुमार जो कि नौबतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही उन लोगों का पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने पूरा अपना कन्फेशन किया। जो नीरज मुखिया, उनकी जो हत्या हुई थी, सुधीर जी भी उनका नाम है, रामपुर फरीदपुर पंचायत का, तो पता चला कि इसका पूरा जो षड्यंत्र था बेउर जेल से रचा गया था। अभी जो बेउर जेल में जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनका नाम हम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि अभी कांड अनुसंधान में है ताकि वो लोग सतर्क ना हो, लेकिन उसके पीछे जितना भी पैसा लगा था और जो उसका कारण था वो थी चुनावी रंजिश। वहाँ पे पूर्व मुखिया रहे हुए हैं मिथिलेश कुमार उर्फ अमिताभ कुमार, जो कि वर्ष 2011 में रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया थे। उन्होंने ही सारा षड्यंत्र करवाया था और उन्होंने अपने सहयोगियों से मिलते इन 3 शूटर्स को सेट किया था। इन टोटल इस कांड में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 शूटर्स हैं, मिथिलेश मुखिया पूर्व मुखिया जो हैं 4, जिसका बाइक में प्रयोग की जिसका बाइक यूज़ हुआ, और बाकी 2 लोग जो लाइनिंग का काम किए हैं। उनका नाम है मिथिलेश कुमार षड्यंत्रकर्ता पूर्व मुखिया, कन्हैया जो कि राज क्लोज एसोसिएट है, पहलेजा सोनपुर का रहने वाला है और वो अभी छपड़ा जेल में ही है, तो वहीं से ही ये देरक क्षेत्र से हथियार भी लाता था और यहाँ पे सप्लाई करता था लोगों को, हथियार सप्लायर और दारू का काम करता था, दोनों काम करता था। नौबतपुर में कौन है मेन, इसमें कौन है? नौबतपुर में भी जिसका नाम आया है हम बताएंगे नहीं, ये भी हाँ जो संजय वर्मा है, जो वो तो उनकी हत्या हुई थी, इसके पीछे भी जो उन्होंने बताया है उसका हम नाम नहीं खोलेंगे, वो भी एक जनप्रतिनिधि ही है जो कि पंचायत
का रहा या उसी बात का है, उसी पंचायत का है जिसने सारा षड्यंत्र रचा है, लेकिन अभी हम लोग उसका नाम नहीं खोल रहे हैं। उनकी हत्या की सुपारी कितने के लिए है? उनकी हत्या में भी 8 लाख की सुपारी कमा, 8 लाख की सुपारी, और इनकी हत्या में 5 लाख की सुपारी जो अलग थी। वो अभी भी हाँ, उनके दोनों शूटर्स, वो शूटर्स अलग है क्योंकि दोनों बैक टू बैक काम होना था, तो जब उसका पहले हत्या 2 दिन पहले हुई है तो वो फिर अपना तुरंत भाग गए वहाँ से, क्योंकि तुरंत रिपीट नहीं करते थे, उनको था कि हो सकता है कि पुलिस को हमारी भनक लग जाए, तो इसलिए फिर उन्होंने दूसरी कांड के लिए नीरज के लिए ये 3 शूटर्स को इन्होंने किया। लेकिन ये जो 2 शूटर्स, इसमें आपको बता देता हूँ, ये जो 2 शूटर्स इसमें से राजकुमार और ओमकार, इन्होंने 6 महीना पूर्व भी संजय वर्मा के ऊपर अटैम्प्ट लिया था, लेकिन ये उस वक्त इनका प्रयास सफल नहीं हुआ था। तो इस बार इन लोगों ने, क्योंकि सारा रेकी करके रखा हुआ था, इनके कब आता है कब जाता है पहचान इन्होंने करवाई थी, और लाइनिंग का काम इन लोगों ने ही किया था, लेकिन जो शूटर्स थे वो अलग आए थे और वो घटना करके अपना फिर राज्य के बाहर चले गए, क्योंकि उनको आने में समय लगना था, और ये जो है ये तब तक नीरज मुखिया का अच्छा इनको सेटिंग मिल गया था, तो तुरंत इन्होंने खुद सेटिंग करके वो काम कर दिया। सर, बेऊर जेल में